Ma? Dovej. Tak dalej, chyla ugodina. Mnoga svati, ab karma ho ni chala. Bas ek mahina aur ma. Phir tum bilkul theek ho jao. हाँ जी अंकल, मैं जी जी बात कर रहा हूँ। पापा जी, हाँ, फोन है। बढ़िया है, किसका? आपका है। मेरे को क्या करना है इस फोन में? मेरे को चलाने आएगा? मेरा तो वो फोन पड़ा है, रहने। अरे आपका फोन है, बशीर अंकल का कॉल आया है। बशीर अंकल की कॉल है? हाँ। अरे पहले कह देते। बोला तो था। हेलो 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 रतनलाल, ओ बशीर साहब, हेलो हेलो। अरे ऊंचा क्यों बोल रहा भाई? मैं रहा हूं क्या? थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूं। हाँ, मेरा गला ही इतना ऊंचा है। अरे बशीर बोल रहा हूँ, क्या हाल है रतनलाल? हाँ भाई बशीर भाई, क्या हाल है? आप कैसे हो? अब भाभी कैसी है? सब ठीक है ना रतनलाल? हाँ यार, तुम्हारी भाभी अब ठीक हो रही है, बस थोड़ा बाल गिरने लगे हैं। गरम दवाई है ना, मगर एक बात बताऊं, अपनी फॉर्म में वापस आ रही है अब। अभी भी लड़ते हो क्या भाभी से? अरे उसका ध्यान रखो, मरकर वापस आई है बिचारी। हाँ भाई, ये बीमारी किसी को ना हो यार। अरे छोड़ो अभी बातें, ये बताओ यार, मौसम कैसा है यार मेरी कश्मीर? हाँ क्या कहूँ भाई, बहुत सुंदर है, चारों ओर सब्जारी सब्जार। सुबह सुबह इस मीठी हवा के मजे ले रहा हूँ यार। मुझे वो दिन याद आते हैं जब आप और मैं सुबह सुबह लंबी सैर को जाते थे। कब लौट आएंगे वो दिन मेरे भाई, मेरे लगते जिगर? हाँ बशीर भाई, दिन याद आते हैं यार। इस मौसम में सर्दी के बाद जब बहार आती थी, लगता था कुदरत ही जमीन पर आई है। बशीर भाई एक चीज बताया, ये मेरे बाग जो है, हमारे सेबों के पेड़ों पे भी कुछ फुलवारी आई है क्या आजकल? लो जी, आ गई याद इसको अपने कश्मीर की। जिस गांव जाना नहीं वहां की क्या बात करनी? मैं जरूरी है क्या टांग बीच में अड़ानी? बीच में जब भी तो टांग अड़ाती रहती है। जो बात सुननी होती है वो तो सुनते नहीं, और जो नहीं सुननी होती वो बिना मशीन के भी सुन लेते हैं। चुप कर आप। बस यार, काफी दिन हो गए थे बात किए हुए, और मैंने सोचा कि भाभी का भी हाल चाल पूछ लूं। हाँ बशीर भाई, तुम्हारा फोन आता है तो यार मैं कश्मीर पहुंच जाता हूँ यार। बस यार एक बात करनी थी तुमसे, वो जवार खान मिला था, वो कह रहा था कि आपको याद दिला दूं। मकान की बात कर रहा था क्या? क्या तेरे को भी फोन किया था? कोई गुस्सा उसा तो नहीं किया? सर फोड़ दूंगा मैं उसका। नहीं 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 भाई, नहीं ऐसा नहीं, बस यही ललचा रहा था, कह रहा था वही मकान बिकाऊ है क्या। मैंने कहा वो मकान नहीं, वो मेरा मंदिर है, और मंदिर बिकाऊ नहीं होता। रतन भाई एक बात बोलना चाहूंगा, एक दोस्त और एक हमदर्द की तरह। हाँ भाई बोलो। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तो मेरा यार है यार। देख रतनलाल, मुझे तो नहीं अब लगता तुम वापस आ पाओगे। इतने सालों से तो कह रहे हो कल आऊंगा परसों आऊंगा, और अब भाभी भी ठीक नहीं है। देख यार गुस्सा मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे यहाँ जो मकान है ना, उसकी पिछले 30 साल से क्या खस्ता हालत हो गई है, बहुत ही बुरे हाल में है। एक बात कान खोल के सुन लो, दिमाग में बिठा लेना, मेरा घर मेरा मंदिर है, और मंदिर कभी बिकाऊ नहीं होता।
आज नहीं तो कल मुझे उस मंदिर में वापस जाना है बशीर। ये बात दिमाग में बिठाते जिगर यार, आंसू मत बहा, उस जबार खान का तो बेड़ा गर्क होए। बशीर भाई एक मिनट, एक मिनट। बशीर भाई यार एक गुजारिश है तुमसे, यार एक विनती है, कोई मिस्त्री ढूंढो यार, मकान दिखा दो मेरा, देख लो कितना एस्टिमेट लगता है इसका ठीक करने के लिए। क्या करना है ठीक करके? मतलब तू वापस आने की सोच रहा है कश्मीर? तुम्हारी भाभी मान जाती मैं वापस लौट आऊंगा यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप और मैं, क्या अलग है? हम दोनों वापस लौटेंगे। मैं अपने घर में अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। बशीर भाई सुना तूने, तुम्हारी भाभी ने भी हाँ कर दी, हम दोनों लौट आएंगे बशीर, हम दोनों लौट आएंगे। यार रतनलाल इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है मेरे लिए? मैं कल ही मिस्त्री के पास जाके तुम्हारे मकान ठीक कराने का एस्टिमेट भेजूंगा तुमसे, कल बात करूंगा। जरूर फोन करना बशीर, मैं इंतजार करूंगा। हाँ यार मेरे मोबाइल पे नहीं, ये उसका है, बेटे का है, तो मेरे लैंडलाइन में फोन कर ले। ठीक है बशीर भाई, इंतजार रहेगा तुम्हारा। क्या बात है, बड़ी लंबी बात हो रही थी, क्या कह रहे थे बशीर? कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने कहा फोन कर लेंगे। वो कश्मीर वाले मकान के लिए? हाँ हमारे कश्मीर वाले मकान की बात कर रहे। डील फाइनल? डील? किस बात की डील? मेरा दिमाग ठीक है? क्या रखा है उस मकान में, बेच दो उसको, अकलमंदी इसी में। मेरी भी बात। क्या, क्यों, कब, किसे पूछ के तुमने फोन किया उसे? समझ में नहीं आता आपने क्या करना है ऐसी प्रॉपर्टी का जो ना प्रॉपर कंडीशन में है, ना आपने जाना वहां, ना आराम से 20 साल से इसी उम्मीद में जिंदगी गुजारी है, एक दिन अपने घर वापस जाऊंगा। सपने भी आते हैं तो वो उसी कश्मीर, उसी मकान के। जी क्या है उस मकान में, क्या है उस कश्मीर में, जहां लू मैं वो अब आपके लिए, ना तो आपकी एग्जिस्टेंस है वहां पे, ना कोई वजूद है। क्या समझ आएगा, क्या है वो मकान हमारे लिए? सिर्फ सिर्फ मकान नहीं है वो, मंदिर, मंदिर है हमारा वो। तुम्हें कहां याद होगा, तुम्हारी पहली सांस उसी कश्मीर में ली थी तुमने अपनी पहली सांस। उधार है उन हवाओं का तुम। थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो, अब मकान भी नहीं रहा, वो खंडर बन गया है। क्या रखा है उस मकान में? कितनी कीमत लगाई, बोलो कितनी कीमत लगाई तुमने उस मकान की, मेरे मंदिर की, कितनी कीमत लगाई उस अनफुट दीवान जबान ने, कितनी कीमत लगाई उसने उस मकान जहां तुम्हारे बुजुर्गों की सांसें अभी भी गूंजती हैं, जहां तुम्हारे दादाजी मेरे ससुर की खाओ खाओ की खांसने की आवाज अभी भी आती है, बोलो कितनी कीमत लगाई है तुम्हारी दादी के अरफानों की, वो ब्रांडगंज की, जहाँ तुम्हारी दादी और मैं रोज सवेरे उठकर पानी से साफ करके पूजा करते थे, कितनी कितनी कीमत लगाई उस झाकुरकुट की, उस पूजा घर की, जहाँ हमारे बुजुर्गों की आत्माएं अभी भी पूजा करती हो, कितनी कीमत लगाई उस मकान की, जहाँ आज भी मेरा वो घर देवता मेरी राह देखता होगा कि मैं गाड़ बदवा ले उसको गाड़ डालूंगी।
वो यश देवता मेरा इंतजार कर रहा कि किस्मा उसके दिन मैं उसको खिचड़ी अर्पण करूंगी। बोलो बोलो कितनी कीमत लगाई तुमने अपने पिता के अरमानों की जज्बातों की। आज भी तुम्हारे पिता का दिल साथ है, वही मस्ती है। बोलो बोलो कितनी कीमत लगाई। और तुम कहते हो कि क्या रखा है उस मकान में। यही कह रहा था कि अगर आपने वापस जाना नहीं तो उस प्रॉपर्टी को रोकने का क्या फायदा। प्रॉपर्टी? फिर एक बार बोल दिया प्रॉपर्टी। जो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए प्रॉपर लाइफ है। देख नहीं रहे हो वो मकान हमारे लिए मंदिर है। इधर घुसा दो, इधर इधर इधर। दोबारा मत बोलना प्रॉपर्टी। उस मकान में हमारी सांसें बसी है। जब तक वो मकान है तब तक हम हैं, समझे? जैसी आपकी मर्जी। मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज एक बार फिर सोच लो। कुछ नहीं सोचना है इस बारे में, कुछ नहीं सोचना है। हमें वापस जाना है और वो हमारा आखिरी फैसला है। मुझे उस कश्मीर में आखिरी बार वापस जाना है। पूरी जिंदगी उस कश्मीर में नहीं गुजार पाया। कम से कम शमशान तो मिले वहां। उन हवाओं में मेरे जिस्म का जो धुआं शमशान से उठेगा उन हवाओं में तो मिल जाए वो। दोबारा मत बोलना इस बारे में, कुछ नहीं सुनना। बाबा जी आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बच्ची। देखिए बाबा जी, मुझे गलत मत समझो, पर मुझे समझ नहीं आता आज भी वहां पे क्यों जाना चाहते हो वापस। बच्चे अब ये बात नहीं समझोगे तो हमारे वहां उन मकानों में उन दीवारों पर देवी देवताओं के फोटो लगे रहते थे। वो सिर्फ फोटो नहीं, आशीर्वाद होता था उनका। और यहाँ ये दीवारें ऐसा लगता है कि जैसे किसी शोरूम में बैठा। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा और बच्चे, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ठीक है जैसी आप मर्जी। चुप करा। हेलो हेलो। हाँ बशीर साहब। हाँ बोलो बोलो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ भाई तभी फोन किया मैंने। बहुत ज्यादा एस्टिमेट दे रहे हैं वो मकान ठीक कराने का। क्या ये क्या बात कर रहे हो? अरे लूटते हैं ये मिस्त्री लोग। 7-8 लाख में तो ये भाई बंगला खड़ा हो जाएगा नया। हाँ? भाई तुम 30 साल पुरानी बात कर रहे हो। 30 सालों में तो तुम्हारा मकान खोखला हो गया है। बस 4 दीवारी रह गई है। अब तो उसमें खंभे भी नए लगाने पड़ेंगे भाई। क्या हुआ अगर तुम्हारा मकान अब रहने के लायक नहीं है? बशीर तो अभी जिंदा है ना। मैं आपके और भाभी के लिए एक अलग से कमरा, गुसलखाना और किचन बनवा लूंगा। मेरे भाई आप आ जाओ यहाँ पे। आप हमारे सर आंखों पे हो। बशीर भाई माँ रेग्ना तुम्हें हमेशा सुखी रखे। बशीर भाई कश्मीर जाना है, अपने उसी घर में रहना है। मुझे फिर एक बार बचपन जीना है बशीर भाई। मुझे फिर एक बार उन्हीं कमरों में बचपन जीना है। मैं तेरे घर नहीं रह सकता। मैं
भाई का फोन था, कह रहा था 7-8 लाख रुपए लगेंगे मकान ठीक करने में। हाय क्या बोल, हे भगवान, सारा पैसा तो मेरी बीमारी में लग गया, हम कहां से लाएंगे इतने पैसे। हम मतलब ये मुझे अपने घर नहीं जाना, मकान में नहीं रहना, मुझे अपने घर नहीं जाना। अजी बशीर अंकल कैसे हैं? क्या कब कैसे? जी अंकल मैं बता दूंगा पापा जी को। अच्छा ही हुआ, वैसे भी पापा जी वापस जाने की जिद तो छोड़ेंगे। चुप हो जा, मुंह बंद रख अपना। जानता है ना मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ मत बोला तुमसे, मैं खुद जाकर उन्हें बताऊंगी। न जाने क्या बीतेगी उन पर, कैसे कहूंगी मैं उनसे ये सब। तबीयत ठीक है? बस वो कुछ बताना था आपको। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? वो जो हमारा मंदिर जैसा मकान था कश्मीर, वो कल दे गया। समीर आप ठीक हो? कुछ तो बोलिए, क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलिए, मैं तुम्हारा मंदिर नहीं बचा सका चाचा। यही अरमान दिल में लेकर कि मैं वापस जाऊंगा अपने वतन, अपने कश्मीर, अपने घर। न जाने कितने रतन लाल वापस दुनिया से चले गए बड़े घर। अपने पुरखों की शमशान भी नसीब न हुई, न जाने कितने और पापा जी और माता जी यही अरमान लेकर चले जाएंगे कि घर वापस जाना है, कश्मीर वापस जाना है। कब तक ये जख्म रिश्ते रहेंगे, ये जख्म कब भरेंगे, ये रिश्ते जख्म कब भरेंगे, कब भरेंगे ये रिश्ते।